तो हम आपको दिखाएंगे परसून भाई का मेकअप, ठीक है, जिसको देख के आप हैरान होने वाले हो। भाई लग रहे हैं कंतारा। कंतारा। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह निकल गया हूँ मैं कॉलेज जाने के लिए। अभी बच रहे हैं सुबह के 10। और सीन ये है कि हमारा जो फैशन इवेंट हो रहा था उसमें जो कपड़े बनते हैं उनका फोटोशूट भी होता है, तो जिसके लिए आज हमें थोड़ा जल्दी बुलाया गया है। इसके बाद हमारी प्रैक्टिस भी होगी मॉडलिंग इवेंट की, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस नहीं होगी, पर फिलहाल मैं निकलता हूँ कॉलेज के लिए। प्रियांशु शायद थोड़ा लेट आएगा क्योंकि वो मेरे सीक्वेंस में नहीं है, ये वाले में, तो उसका फोटोशूट नहीं होगा इसमें। तो फिलहाल हम निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो गाइस हम आपको दिखाएंगे, अरे हटा के बात कर। तो गाइस हम आपको दिखाएंगे परसों भाई का मेकअप, ठीक है, जिसको देख के आप हैरान होने वाले हो। भाई लग रहे हैं कंतारा। कंतारा कुछ तो खतरनाक मेकअप कर दिया। एक्चुअली हमारा फोटो शूट होने वाला था, फोटो शूट वगैरह अब हुआ नहीं, तो मेरा मेकअप इन्होंने कर दिया था। इन्होंने कहा ऐसे ही रखे रख, और सामने प्रैक्टिस चल रही है, खुशी सबकी प्रैक्टिस करा रही है यहाँ पे। खुशी जो है, खुशी ने सबकी प्रैक्टिस कराने का वो लिया जिम्मा, और वो आगे सर बैठे और स्टेज पर सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हियर वी हैव मिस्टर मैंग अगेन इन द शॉर्ट्स। तो प्रैक्टिस तो हमारी हो चुकी है, पर लंच ब्रेक हमें मिला नहीं, क्योंकि जो फोटोशूट हमारा सुबह करना बाकी था वो फोटोशूट अभी हम करेंगे अंदर, और लोगों का मेकअप है, उसके बाद हम ड्रेसअप करा के अपना फोटोशूट करा लेंगे। तो हाँ ये सीन है फिलहाल का, उसके बाद हमें वापस आना है प्रैक्टिस करने और हम फोटोशूट करा लेते हैं ना। तो आज का शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक चल रहा है। अभी हमने कपड़ों के शूट्स कर लिए अपने, आयुष भाई भी हमारे साथ, और लंच ब्रेक में हमने पूरे शूट किए। लंच ब्रेक ख़त्म हो गया, प्रैक्टिस चल रही है, शूट ही कर रहे थे हम, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। सुबह में कुछ नहीं खा गया था, ऊपर थोड़ी बहुत बिरयानी खाई थी, और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो अभी हमने से कुछ नहीं खाया है, घर जाके आया ना तू चूरा। घर कौन गया, आया अभी तो तू लेट है। मैं तेरे से दो घंटे पहले आके बंजवा मजदूरी कर दी मैंने। 5 बजे सुबह रात को 1.5 पराठा भी नहीं खाया मैंने, ठीक है। उसके बाद बाकी फिलहाल जा रहे हैं, कुछ खाने पीने का मिल जाए तो आसपास। टक शॉप खुली तो है, आ जाओ फिर। ये इन्होंने बंद बोली थी, ये बच्चे गलत दफ़ा। फिलहाल टक शॉप बंद है। टक शॉप तो खुली है, खाली मेहनत करवा दी थी अभी। तो फिलहाल कुछ खाने का देखते हैं यार, बहुत ज़्यादा भूख लगी है भाई, बहुत तगड़ी। मैं यहाँ पे परेशान, हैरान परेशान मॉडल्स को। कैसी चल रही है आपकी प्रैक्टिस? भाई तो खाने के लिए भी ना मिल रहा है, भाई से मंगाया था मैंने एक आज से। भाई को खुद खाने मिल रहा है, भाई को जाना चाहिए था। और मयंक भाई वापस शॉर्ट्स में, बाल नहीं दिखने चाहिए। सर के दिखेंगे बाल, सिर्फ है तो है। बोल कौन रहा शादी के बाद? तू काट तू भाई। आज वैक्सीन भाई ग्राफेस चल रहा है, लड़कियों के साथ साथ प्रियांशु भाई ने भी वो करा रखा वैक्स। नीचे दिखा, नीचे लगेगा। 4 बज चुके हैं अभी, आखिरी बार सीक्वेंस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद हम जाएंगे घर। कौन सा लगेगा? तो आखिरी बार ही तो बस यही है कि अभी इसके बाद क्या 3-4 सीक्वेंस बच जाए, फिर उसका छुट्टी। और भाई छुट्टी में कॉलेज इतना खाली खाली रहता है ना, बस ये फायदा है। कौन सा देखो, पूरा कॉलेज खाली पड़ा है, खाली हम लोग प्रैक्टिस करने वाले आए हैं आज, और पूरा कॉलेज खाली है। गार्ड सर भी है वहाँ पे वैसे तो। खैर तो आप सामने प्रैक्टिस चली रही है, और लॉर्ड अपर्णा एकदम बहुत ही बेहतरीन कमालदार वॉक करते हुए मेन कैरेक्टर वाइब ने, बड़ी हड्डी टूट रही है इसकी, हड्डी टूट रही है भाई। किसी इंसान के पैर के लदार, पैर में लदार के लो, हड्डी टूट जा रही है यहाँ लोगों की। ये अब लदार भी नहीं ले रहा आदमी। तो आयुष भाई कैसे चल रहा है बताओ? बढ़िया चल रहा है यार, मेरे इतना बढ़िया टीका लगाया था पता है, लेकिन वो मेरे को मिटाना पड़ गया। मेरे को तो माता के जगराते काजल लगा रखा था आपको, जगराता मेरे को सेम टीका चाहिए, मेरे को सेम टीका चाहिए। आखिरी दिन कुछ नहीं लग रहा शोके दिन नहीं यार। हाँ क्योंकि बच्चे लगातार चेंज करेंगे, जिसका पहला सीक्वेंस होगा दिक्कत नहीं, मैं लगवाऊंगा। देख जिसका पहला सीक्वेंस होगा वो तैयार बैठ रहेगा, फिर अचानक से दूसरा वाला तैयार होगा। मतलब हर सीक्वेंस में अलग अलग होना, कपड़े चेंज करेंगे, मुंह थोड़ी धोएंगे बार बार, मेकअप तो एक बेसिक कर देंगे ना जो हर ड्रेस में, क्योंकि क्या होगा कि पहले बच्चे रिपीट हो रहे हैं, तो पहले सीक्वेंस वाला दूसरे में भी होगा, फिर अब हर सीक्वेंस में बीच में मेकअप थोड़ी लगाएंगे। गाइज मयंक भाई का आउटफिट देख सकते हो आप, रुको यार थोड़ा, मयंक भाई का आउटफिट सही से नहीं दिख रहा ना, थोड़ा पीछे खड़े हो, टर्न अराउंड देख सकते हो। ना टी शर्ट भी छोटा है, कच्छा भी छोटा है, बच्चों का पहन के आ रहा है, दिल बहुत बड़ा है, बाहर आ गया दिल नहीं छाती गया था उसे। तो फाइनली हमारी प्रैक्टिस समाप्त हो चुकी है, पीछे प्रियांशु भाई हैं देख सकते हो आप, और अभी ग्राफिक्स में थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। सर थे वाले एंट्री नहीं आज, लड़कियों की अलग गेट से एंट्री, लड़कों की अलग गेट से एंट्री है। कल वो नहीं हो गई, धक्का मुक्की भसड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा, कल डिवाइन केस में नहीं हुई थी, धक्का मुक्की चल रही थी, तो चक्कर था शायद, और शायद कुछ बच्चे फंस भी गए हैं ऐसे ना कॉलेज के अंदर, कुछ हरकतें कर रहे होंगे पता नहीं। भाई का लुक देख सकते हो आप, धूप से बचने के लिए भाई, तो शक्ल गए तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं, कुछ बाजू बाजू का भी ढक लेने का देख लिया अगर।
शक्ल नहीं होनी चाहिए, मुंह काला नहीं होना चाहिए। तो हो चुकी थी हमारी प्रैक्टिस से वापसी और जिगर भाई का फोन बहुत ही ज्यादा टिंकिंग कर रहा है। खैर आपको सीनियर रहने वाला, शाम को हम जाएंगे ग्राफेश में। बाय द वे जिस बच्चे की 75% से कम अटेंडेंस थी उसके घर में एक मैसेज जा चुका है कि आपके बच्चों की अटेंडेंस कम है, तो अगर बच्चे डिपार्ट होंगे तो तुम लोग देख लेना, हमारे सर में मत पड़ना। ऐसे मैसेज किया कि आपके बच्चे की अटेंडेंस कम है वाला। बाकी फिलहाल थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ और हो जाता हूँ मैं तैयार ग्राफेश में जाने के लिए। बादशाह भाई आ रहे हैं आज।